आज हम खेलने लगे आरसीबी वर्सेस पेशावर, मतलब पीएसएल वर्सेस आईपीएल, मतलब विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, और ये होगा पाकिस्तान की होम कंडीशंस में, जिसका मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैक्सवेल कर रहा है बॉलिंग की ओपनिंग, और सामने पाकिस्तान के दो ओपनर्स हैं, मिस्टर अयूब एंड बाबर आजम। देखो तो पाकिस्तान का स्टेडियम तो है ही है, बट पिच की कंडीशन भी एकदम पाकिस्तान वाली है। ग्रेट टू बैट ऑन, बट थोड़ा बहुत स्पिन को भी साथ देगी वो। पहली दो बॉलें तो काफी बढ़िया मैक्सवेल की, लेफ्ट हैंडर था इसलिए मैंने मैक्सवेल से बॉलिंग की ओपनिंग करवा दी। तो लाइक ना करो तो कर देना, एंड रेगुलर देखते तो सब्सक्राइब भी कर ही दो, साथ में अटेंडेंस भी मार्क कर ही देना, अच्छा लगेगा। बाबर आजम ने चौका मार दिया पिछू की तरफ। मेरे को लगा था पहले ओवर में स्पिनर से करवाऊंगा तो शायद कम रन पड़ेंगे, 7 रन तो हो ही गए, 8 रन हो गए 4 बॉलों पे। लो तो दोनों टीम की जो भी मैंने लाइनअप खिलाई होगी ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, देख लेना, ताकि इतना डिस्कस करना नहीं पड़े मेरे को, अपने आप ही समझ जाओगे ना क्या है, सबके लिए इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। ओ नाइस बॉलिंग मैक्सवेल, 8 रन, स्टिल गुड। लेट्स गेट हेजलवुड नाउ। हेजलवुड आया, होपफुली वो बाबर आजम को आउट कर पाए। ओ भाई एज लगा कैच। ओके एज शायद लगा ही नहीं था, चलो पता नहीं, और अब मेरे को जानना भी नहीं एज लगा था कि नहीं। अभी तक आप लोगों को समझ ना आया तो मैं बता देता हूँ, इट्स अ T20 मैच। ग्रेट शॉट बाबर, जस्ट अ सिंगल, और ये पिच टाइप है ड्राई एंड हार्ड, मतलब बाउंस भी काफी मिलने वाला है, जिससे ना हेजलवुड को काफी मदद मिलती है। बट यहाँ पे तो चौके खा रहा है वो, वैसे पहली बॉल पे परेशान जरूर कर रहा था बाबर को, और T20 गेम है ना तो आरसीबी को ना वैसे चेज ही करना चाहिए, क्योंकि स्कोर बना के तो वो बचा नहीं सकते, शायद रन ही मार ले, इसलिए बॉलिंग ही दिलवाई मैंने पहले। हेजलवुड की भी किस्मत खराब ही है, एज के चौके खाता है। बढ़िया कट शॉट, बट कुछ भी नहीं। पहले दो ओवर ठीक ठीक है, 19 रन आए। सेकंड ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव था। बाबर आजम है ना अब क्रीज पे, तो मैं ले आता हूँ स्लो लेफ्ट आर्म शाहबाज अहमद को। ओके कैच हो सकती है क्या ये? कैच 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 ब्रो, प्लीज कैच कर लियो, बहुत बढ़िया कैच। आई डोंट नो मैंने ये क्या सोच के करा, बट इट वर्क मैन। बाबर आजम 6 रन पे जाते हुए, बस अब ये ओवर निकल जा भाई, लेफ्ट ही ना मार दे रन। नाइस वर्क मैक्सवेल से, तो एक ही ओवर करवाना था, करवा लिया बस मैंने। गैप निकाल लिया, थोड़ी सी सीधी डाली मैंने, बहुत बढ़िया मिड विकेट पे खेल दिया हारिस ने। फ्रफ्फू यार, 5 रन एक T20 के ओवर में आए तो ठीक ही है, बस उससे ज्यादा ना आए तो फिर मजा आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, ओवर में सिर्फ 5 रन। आ जाओ हेजलवुड भाई, आप भी करवाई लो बोलिंग। वैसे स्लिप रखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि बॉल की मूवमेंट तो एकदम जीरो है भाई। क्या बढ़िया बाउंसर थी, एकदम परफेक्ट, वो भी एक सिंगल ही है। ग्रेट बॉलिंग हेजलवुड। मिस्टर आयुब 13 बॉलों पे 15 रन है, तो भाई आउट हो जाओ और दूसरों को खेलने दो। ओ कोशिश करी उसने आउट होने की, रन मारने की, ये बात भी है। पहले दो ओवर में स्टार्ट बढ़िया थी, शाहबाज के ओवर के बाद से ना गेम थोड़ी बहुत चेंज हो गई, बट चौका मार दिया फिर सैड। ये हेजलवुड लगता है रन खाने आया भाई आज। लेट्स गेट सिराज नाउ, सिराज भी विकेट लेगा तो मजा आएगा। बॉल की मूवमेंट जीरो, मतलब स्लिप की जरूरत नहीं है। अरे ऐश तो फिर भी लग रहे हैं, वाह चलो स्लिप पे तो तब भी नहीं गया। ले लो सिंगल ही लो भाई अभी तो तुम। मिस्टर हारिस 6 बॉलों पे 6 रन है, तो भाई क्या ड्राइव मारी है, इट्स अ 4। बढ़िया शॉट था यार वैसे, सही बताओ तो 6 रन खा लिया भाई सिराज ने। ओ गुड बॉलिंग यार, ओ नाइस, 6 बॉलों में 6 रन बढ़वाए सिर्फ सिराज ने। ग्रेट ओवर, देखो मैं करवा रहा हूँ हेजलवुड के 3 ओवर, एक ओवर बाद में करवा लेंगे, लेकिन एंड में तो मैं बॉलिंग नहीं करवाऊंगा हेजलवुड से, ये मेरे को पक्का पता है। पावर प्ले तो खत्म हो चुका है इस ओवर के बाद, अब ये रन मारने जाएंगे पता है, क्योंकि पावर प्ले का आखिरी ओवर है ना। भाई क्या बढ़िया लेंथ पे बॉलिंग करी थी, बट ग्लांस भी बहुत बढ़िया करा फॉर अ 4। भाई ऐसे शॉट देखने में भी ना बहुत मजा आता पता है, ऐसे चौके पड़े ना तो मेरे को बुरा भी ना लगे। अरे नो बॉल होगी यार, सैड हो गए ये तो भाई, ज्यादा बाउंस शॉट डाल दी थी मैंने, और कोई बात नहीं है। ओह नाइस स्लोअर वन, क्रिकेट पे चलो रन तो नहीं गया, दोबारा सेम हो जाए। अरे नाइस, पावर प्ले में सिर्फ 48 रन आए 6 ओवर में, वैसे इसको सिर्फ नहीं बोलते बट 48 इज स्टिल फाइन। लेट्स गेट हसरंगा नाउ, भाई ये कैच आउट हो सकते क्या मिस्टर आयुब?
द आंसर इज नो, इट्स अ सिक्स. आई थिंक ही इज द वन जो बोलता भाई मैं 360 प्लेयर हूँ, डिविलियर्स और स्काई से बेटर. समय बताएगा. एम आई राइट? यही बोलता ना बंदा वो. कैच. अरे यार इट्स अ फोर. अरे हसरंगा ने तीन बॉलों पे 11 रन खा लिए. वैसे ये सारी स्टेटमेंट्स जो भी बोलता हूँ ना यार मैं मजाक में बोलता हूँ. मतलब मैं ना कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने प्ले फॉर पीस कब भी करा था इंडिया पाकिस्तान में, अगर किसी को याद हो ना. पिछली दो बॉलों में काफी बढ़िया कम बैक रहा हसरंगा का. ये भी काफी बढ़िया. चलो 11 ही रन आया. चलो मैक्सवेल को ले ही आता हूँ मैं. हो सकते लेफ्ट हैंडर को आउट कर दे. अरे कैच हो सकती है क्या भाई? कर लियो यार कैच. भाई मेरी बॉलिंग मूव काफी बढ़िया वर्क कर रहे हैं अभी. पहले मैं शाबाज को लेके आया, विकेट मिल गई. अब मैं मैक्सवेल को लेके आया, लेफ्ट हैंडर चला गया. रॉबमैन पॉवेल आ गया. अच्छा सबको ही आगे बढ़ के मारना है क्या? अभी आउट हुआ है भाई, थोड़ा सबर कर ले भाई. आरिस ने आगे बढ़ के शॉट तो मारा लेकिन ये सिक्स चला गया. भाई मैं भी देखो अब आगे बढ़ के कैसे मारता. ले भाई हर बारी थोड़ी ओवर की लास्ट बॉल. भाई क्या चला भाई इनको तो. भाई मस्त गूगली डलवाते हैं. चौका नहीं किया, इसी बात पे खुश हूँ. हारिस भाई आउट हो जाओ यार, फ्लिपर मार रहा हूँ. तो कभी कभी भूल जाता हूँ आरसीबी का कैप्टन ना फैफ है. क्योंकि लगता है तो हमेशा यही है कोहली है कैप्टन. फैफ तो वैसे यूएस में नहीं चल रहा यार. अगले साल आरसीबी के लिए कितना चलेगा वो देखते हैं. अब वेरी डिसेंट ओवर, चार बॉलों पे चार रन है. पांच बॉलों पे चार रन और अच्छी बॉल लग जाए बस. हाँ चलो पांच ही रन आया ओवर में, बहुत बढ़िया. चलो शाबाज का भी एक और ओवर करवा देते हैं. वो तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैक्सवेल के भी दो ओवर हो जाएंगे, शाबाज के भी दो ओवर हो जाएंगे. एक बॉलर के दो ओवर खत्म हुए कम से कम. वैसे तो अभी हर्षल पटेल भी आना है और हर्षल पटेल ने रन खाए तो इनमें से किसी को बॉलिंग करवानी है फिर. और हसरंगा भी खाने लग गया तो फिर वही होगा. अगले ओवर में मैं हर्षल को ले आता हूँ और उसके बाद ना मैं ले आऊँगा उसको, हेजलवुड को. हेजलवुड के ख़त्म करो भाई, एंड तक रखना ही नहीं. यही ओवर में सिर्फ दो रन आए हैं भाई साहब. भाई इसी से बॉलिंग करवाते रहो क्या? तीन रन आया ओवर में सिर्फ. 75 हुए इनके 10 ओवर में. अरे 160 तक बनाए तो हम जीत सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होगी. हर्षल पे तो पेसर वाली फील्ड लगा के मतलब ही नहीं बनता पता. क्योंकि स्पिनर वाली फील्ड पे विकेट ले लेता है ना, मतलब कटर डालता है वो और उसने विकेट ले ली उसी पे. हर्षल भाई वर्ल्ड कप में भी थोड़ा ऐसे कर लेते यार. ओके कैच. इज इट अ कैच? वैसे तो ड्रॉप हो गई है, तो देखते हैं कैसी कैच थी. एज लगा. अरे कोई नहीं डीके भाई, होता है, कोई नहीं. आपसे भी कभी ना कभी रन बनेंगे आई एम श्योर भाई. अगर ये लो स्कोरिंग मैच हुआ ना तो मुश्किल हो जाएगी. मैं बताता हूँ अभी क्यों. चलो ये तो विकेट लो कम से कम. हर्षल पटेल ने एक ओवर में दो विकेट ले ली. मिस्टर हसीबुल्ला खान आए हैं और क्या डबल मिड इन विकेट ओवर हो सकता है? द आंसर इज नो. सिंगल आ जाएगा. एक रन और दो विकेट आए ओवर में. मैं सोच रहा था हेजलवुड के ओवर ख़त्म करवानी क्यों है, नहीं करवाते? हमारे पास इतने सारे बॉलर हैं क्यों? मैक्सवेल से करवा लेंगे एक और ओवर. जो कि अब मुझे लग रहा है कि नहीं करवाना चाहिए था. लेफ्ट हैंडर देख के ना मैं सोच रहा था करवा लेते हैं. ठीक है तो छिका खा लिया पहली बॉल पे. यार काश रिजवान होता इस टीम में तो मैं बोल पाता, अरे रिजवान ने छिका मार दिया. भाई मोहम्मद हारिस अभी भी अच्छा खेल रहा है. मिड विकेट पे फील्ड हो जाएगी क्या? वो ग्रेट फील्डिंग यार, बॉल सीधी निकल जाए और ये आउट हो जाए. हुआ नहीं. बट ऐसे स्पिनिंग ट्रैक ना मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने स्पिनर से ना कुछ ज़्यादा ही डरता हूँ गेम के अंदर. तो मैंने सोचा भाई वो डर को ना थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं. और वैसे ना एक फील्ड को भी है जिसके अंदर ना मैं स्पिनर से कुछ ज़्यादा ही आउट हुआ था. उसका लिंक ना मैं आपको एंड में दूंगा, देखना ज़रूर. ठीक है, उस वीडियो का नाम ही था आई फियर स्पिनर्स. हर्षल पटेल आप स्पिनर वाली फील्ड पर बॉलिंग करिए, बहुत बढ़िया कर रहे थे सच्ची में. ओके तो फोर आई गेस. भाई मेरे को पहले पता चल गया था कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. मतलब ऐसी चीज़ों का ना पहले से थोड़ा बहुत पता चल जाता है कभी कभी. हारिस तो काफ़ी बढ़िया खेल रहे, 30 बॉलों पे 40. जिस हिसाब से पूरी टीम खेली उस हिसाब से तो बढ़िया ही है ये स्कोर भी. वैसे हर्षल ने रन नहीं खाए तो रन तो वो भी खाएगा ही ना. आई जस्ट होप कि ये 160 से ऊपर ना मारे, 170 से ऊपर. नहीं तो भाई बहुत मुश्किल होगा चेस करना. बस अब अच्छी बॉलिंग करनी है.
जो कि हुई नहीं। इट्स अ फोर भाई, जान दे कोई नहीं। पहले ओवर में एक रन खाया, 10 रन खा लिए, ये भी सही है। 13 ओवर हो गए और ऑलमोस्ट 100 रन हो गए हैं इनके। लेकिन बढ़िया बात पता है क्या है? बढ़िया बात ये है इनके 4 आउट हो चुके हैं। अरे मैक्सवेल को मैंने एक और ओवर दिया क्योंकि लेफ्ट खेल रहा है ना। चलो हो ही गए 100 रन के, तालियां बजा दो। चलो कोई नहीं, बढ़िया फील्डिंग मैक्सवेल, सिंगल से ऊपर नहीं, डाल लो सीधी बॉल, आउट। इट्स आउट फॉर श्योर। क्या बात है रॉस, दे दिया आउट। ले रिव्यू अच्छा नहीं लेगा ये, काफी अच्छी बॉल थी वैसे। देखो लेफ्ट तो आउट नहीं हुआ लेकिन कोई तो आउट हो गया ना। ये ना मैक्सवेल काफी वाइड आया ठीक है, और एकदम ना मतलब क्या ही एंगल से बॉल डाली, वो भी आम, और आउट हो गया बेचारा। ये एक बार ये ना बिगाई भी देख लो कि क्या हुआ था एक्चुअली। देखो पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल था, और विकेट सेटिंग अंपायर चलो हमारे साथ था, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, लेकिन कोई नहीं, बहुत रेयरली विकेट मिलती है मेरे को ऐसी। चलो भाई ओवर देने का फायदा तो हुआ। आइस बोलिंग यार, मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये मैच ना वो हो सकता है दो स्कोरिंग, अनलेस वो अब रन मार दिए दोनों कुछ ना कुछ करके। भरोसा नहीं भाई इनका भी। चलो हर्षल जी इनको भी आउट करो, बढ़िया बढ़िया। आई एम श्योर ऐसी बोलोगे तो जडेजा भाई बहुत मारता। मुझे लग रहा है ना कि सिर्फ 4 फील्डर ही बाहर रखने चाहिए मेरे को, नहीं तो ये सिंगल डबल लेते रहेंगे। वैसे एक और विकेट आ गई है अगर कैच ना ये छोड़े तो। चलो और हर्षल पटेल ने ले लिए 3 विकेट। वाह रियाज आया अभी, हर्षल पटेल ने आके ना मैच पूरा पलट दिया। वैसे मैं ट्रोल कर रहा था ना उसको, देखो मैं जिसको ट्रोल करता हूँ वो वापस मेरे को ट्रोल बैक तो करता ही है कुछ ना कुछ करके। मेरी टाइमिंग है ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। हसरंगा आ रहे हैं अब। वैसे भी गेम में ना वहाब रियाज का ना वो है जेनेरिक फेस है थोड़ा। He'll get to easily. ये यहाँ से भी तमीज से खेले ना, they can get to 150. कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उनको। जिस हिसाब से स्पिनर्स ने विकेट लिया ना, मेरे को लग रहा है कि मैं इस पिच पे रो दूंगा। रो क्या, कुछ ज्यादा रो दूंगा। ओके उमर जाय ने एक चौका मारा, काफी बढ़िया। तो बोल रहे देखिए गेट टू 150। आ जाओ भाई शाबाश आखिरी ओवर के लिए अपने। सिराज और हेजलवुड के ना सिर्फ वही होंगे 3-3 ओवर। आउट। इज इट गोइंग डाउन लेग साइड, कैन आई टेक द रिव्यू? अरे इट्स गोइंग डाउन लेग साइड आई एम श्योर। ओवर में अभी तक 2 ही रन आए हैं। वाओ आ जाओ भाई सिराज को ले ही आते हैं। सिराज भी शायद विकेट ले ले। ओके आई हैव टू चेंज द फील्ड जो ना मैं भूल गया था, हर्षल पटेल वाली लगा रखी थी मैंने स्पिनर वाली। उमर साहब भी बढ़िया खेल रहा है, 12 बॉलों पर 18 रन ना। ओए ये है ना बात, 150 इज ऑन द कार्ड्स। और ये कैच हो सकती है क्या? नहीं, इट फेल शॉर्ट एक्चुअली। और वहाब रियाज रन आउट नहीं हुए। भाई मिड विकेट खेलने की कोशिश करी बट इतनी बढ़िया टाइमिंग थी नहीं, प्लेसमेंट थोड़ी और अच्छी हो सकती थी तो चौका चला जाता वो। नाइस ये इसकी प्लेसमेंट काफी बढ़िया थी कि जिस पे 3 रन तो आ ही सकते हैं। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, बहुत बढ़िया। अब देखो इनको ना 18 रन चाहिए 150 पहुंचने के लिए। भाई 2 रन भाग लिए इन्होंने, भाई एक भी रन मत पड़वाइयो इस ओवर में, मजा आ जाएगा। ये एज्ड एंड बच गया, हम स्लोअर वन ही डालेंगे सिर्फ। ये क्या हो गया, जडेजा तो नहीं आ गया अंदर? फोर। अरे मिड विकेट खेल दिया भाई, उमर जाय को क्या हो गया एकदम से, वो बचा लिया। ग्रेट फील्डिंग हेजलवुड, एक बॉल पे चौका मार दिया, एक पे 3 ले लिए, सही है बेटा। और ये कैच हो सकती है क्या? यस बहुत बढ़िया, हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 24 रन पड़वाए, ठीक इकोनॉमी और 3 या 4 विकेट जितनी भी लिए। वाओ भाई आखिरी ओवर में 8 किया, कम रन पड़वाना है बस। कैच भाई कैच हो सकती है, वाओ चलो दिखा देते हैं। ये देखो एज लगा और नाइस कैच भाई, प्रभु देसाई। अरे मुजीब भाई तुम क्या बैटिंग करोगे, आई विल गो फॉर अ स्लोअर वन। वाओ स्लोअर लेग कटर डालने में जो मजा आता ना और किसी चीज में नहीं है। वाओ देखो 2 डॉट बॉल आई कि इस पे स्लोअर लेग कटर पे, अब मैं डालूंगा स्लोअर ऑफ कटर।
उस पे लगता है सिक्स आने वाला है, सिक्स सीधा 150 कर दिया भाई इसने। वहाब रियाज की छिकी की वजह से इनके हो गए 150, हमको कितने चाहिए 151। पैफ और विराट आ रहे ओपनिंग के लिए और ये है जेनेरिक वहाब रियाज। बस स्टार्टिंग में हमको विकेट नहीं देनी है, कोशिश यही कर सकते हैं, आगे पता नहीं मेरे को। आगे तो फिर सबको पता है, अगर मैं एक बार विकेट देना चालू करता हूँ फिर वो जाती रहती है, जाती रहती, रुकती नहीं है। विराट कोहली ऑन स्ट्राइक ना, विराट भाई थोड़ा ना लेफ्ट हैंडर से बच के, और वैसे भी पिच में बाउंस है। हाँ जी, ग्रेट वर्क। और अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना कराओ तो कर लेना, मेरी दो दो इंस्टा आईड है, एक पर्सनल है और एक जिस पे मैं रील्स डालता हूँ। रील्स वाली को फॉलो कर लेना, पर्सनल वाली तो छोड़ो, जो है वो है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट द चैनल, आप ना सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। ग्रेट शॉट भाई, मेरे को लग रहा था कहीं रन आउट ना हो जाए, लेकिन बच गए। वैसे आई वुड से कि काफ़ी ना, मतलब इतने ज़्यादा रन बनाने नहीं हैं, तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। वैसे तो ये अपने आप ही दे रहा है वाइड, बस जल्दी नहीं मचानी है हमको। ओ ग्रेट बॉलिंग यार, ग्रेट बॉलिंग यार। एक ना फ्लिक करने का मन कर रहा है चौके के लिए, पता है। बस बढ़िया, मिड विकेट पे इट्स अ फोर। बताइए मिस्टर अरशद इकबाल आ रहे हैं। yep. यार काफ़ी बाउंस है यार पिच पे, तो बॉल ना मतलब एकदम तेजी से आ रही है, एकदम पिच से टप्पा खाएगी और एकदम जल्दी से थोड़ी रश होके आएगी। वाइड थैंक यू, मैंने थोड़ी ओके ओके खेलने की कोशिश कर रहा हूँ ये, ताकि विकेट ना दूँ। ये खुद ही वाइड दिए जा रहे हैं भाई, मैच जीतना है कि नहीं जीतना है। He answered himself. और एक चीज का ना तुमको भी आंसर करना है, ठीक है? वो यहाँ पे मत करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? वो तुमको करना है मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में, किसी में भी कर देना, लेकिन डीएम कर देना कि कौन से और मैच में खेल सकता हूँ। गुड शॉट। और थोड़े ना अलग अलग वेराइटी के देना, कि जैसा ये मैच है सेम वैसा मत दे देना, अलग अलग वेराइटी दे सकते हो तुम। विराट कोहली बींग पेशेंट एंड नाइस, 7.5 रन पर ओवर चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। It was an edge and it's a four. चलो बच रहे भाई अभी स्टार्टिंग में तो, ठीक है। it's a bye का चौका, मेरे को लगा 5 wides मिले हैं। वैसे उनकी स्टार्ट भी काफी सिमिलर थी, उनके 19 रन थे पहले दो ओवर में। स्पिनर्स आएंगे तो पता चलेगा, पावर प्ले तो उनका भी काफी बढ़िया गया था। आई थिंक दे गॉट 48 और 49, आई एम नॉट सो श्योर। आई थिंक ये कट करने वाली बॉल थी नहीं, इसको पुल करना चाहिए था। मिस्टर प्रभु देसाई आ रहे हैं। ऐसी बॉल्स पे ना कभी कभी पता नहीं चलता यार कि वो बाहर की तरफ ऐसे निकलेगी या फिर वो अंदर की तरफ एंगल के साथ आती रहेगी, तो समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड। अगर मैं पहले रीड कर ले तो ऑब्वियसली मैं पुल ही मारता, बट अब जो गलती हो गई वो गलती हो गई। बट चलो कोई नहीं, वी आर स्टिल ऑन द राइट ट्रैक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैकफुट पंच भाई, चौका जान दो यार, कोई ज़रूरी थोड़ी एज कहीं जाने दोगी सिर्फ। नाइस कम बैक फ्रॉम पेशावर, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग। इस ओवर में 3 ही रन आया और एक विकेट गई है, और मैं ना, मैं इस ओवर में एक और विकेट देने में तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं, तो मैं तो हाथ नहीं लगा रहा इसको। अरे मैंने पुल करा था ब्रो, हेलो, मेरी बॉल इतनी तेजी से रश करी कि उसको पुल मारने का मौका ही नहीं मिला, उसने गेम ने सीधी खेल दी। वाओ ग्रेट चिप शॉट और फोर। आप जरा यूएस में भी ऐसा खेल लो यार, हमारे सी एस के फैंस को अच्छा लगेगा। ओवर में अभी तक 4 रन आए हैं, आई थिंक वील मेक इट 8 अगर ये चौका चला जाता है तो। यस इट्स अ 4। पैफ को ना कैप्टन्स नॉक खेलना पड़ेगा एकदम बढ़िया वाला, कोई नहीं स्पिनर्स को आने तो फिर पता चलेगा। वाओ मिड विकेट पे काफ़ी बढ़िया शॉट पर 4, शॉट तो काफ़ी बढ़िया था। ओ वे आई एम नॉट गोना टच इट। घास होती है ना पिच पे तो इन स्विंगर होती है, अगर ये तो फिर तो मैं बोल्ड था, पक्की बात है ये भाई नहीं करूँगा। ग्रेट शॉट पॉइंट के ऊपर से 6, पता अच्छी बात क्या, आई वेटेड फॉर द राइट बॉल। 120 मीटर का 6, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा बस। टेक अ सिंगल, नाइस डिफेंस। मुजीब ना काफी मतलब बढ़िया बॉलिंग करता है क्योंकि ये दिख रहा है,
भाई दो रन भाग लो, वैसे तो चौका ही है, ये चौका ही है, एच लगा और चौका चला गया भाई। ये देखो चौका कहाँ से गया, बहुत बढ़िया, नाइस। दिखते रहे भाई, कहाँ देख रहा है, तेरे अंदर से निकली है। चलो डिसेंट रन तो बन ही गए पार प्ले में, ठीक है कोई नहीं, पंगे नहीं लेने। उस्मान कादर भी आते हुए भाई, दो अच्छे स्पिनर तो इनके पास भी हैं ही, अगर ये ऐसे बॉलिंग करते रहे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि दिख रहा है आपको, क्योंकि मिस्टर मैक्सवेल आते हुए अब, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग यार। रिक्वायर्ड 100 ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर की हो रही है, ए ग्रेट शॉट, लेट्स गेट टू। बहुत ही बढ़िया कवर के ऊपर से मारा, पर फोर। इस ओवर में चलो 7 रन तो आए गए हैं, यस 8 हो जाएंगे। चलो जितने रन चाहिए उतने आ रहे हैं ना बस, अभी तो कोई नहीं, मे बी उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेट्स गेट टू। राइट ऑन, यस नहीं खेलना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए था। आ जाओ भाई शाबाज अहमद, चलिए आप ही कुछ कर लो, यप 2 रन आ जाएंगे भाई, 5 भागने हैं, ठीक है। बस मेरे साथ उसी विल्ड को जैसा ना हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ग्रेट या भाई, क्या बढ़िया प्लेसमेंट कर रहा है, और दो दो रन के लिए ना, ये मतलब प्रिसाइज शॉट खेल रहे हैं। मिस्टर उमर जा आते हुए, जिन्होंने ना लास्ट में काफ़ी विकेट बोलो रन मार लिए थे। लेट्स गेट टू इफ वी कैन। मेरे को ना याद आ रहा है इनके ना 75 बने थे एग्जैक्टली 10 ओवर में। शॉट काफ़ी बढ़िया, 5 इट्स 4 राइट, यस। ओए एच का चौका, आई एम जस्ट ग्लैड, जस्ट ग्लैड। बस हो गया बस, नहीं 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 मारना यार, काफी रन आ गए ओवर के, 11 हो गए हैं। नो, अरे भाई कैसे कट हुई है ये अंदर की तरफ। अब बढ़िया बात ये है कि उनके भी 75 पे शायद 3 थे, या तो 3 थे या 4 थे, ये पक्का है भाई। मतलब रन तो एकदम हेड टू हेड चल रहे हैं भाई, एक ओवर में ज्यादा रन मारते फिर स्पिनर आते फिर कम रन पड़ जाते हैं। कट करा बहुत ही बढ़िया, नाइस प्लेसमेंट इज वेल, कट ऑफ नहीं हो पाया वो। ग्रेट चौका भाई, ग्रेट। शाबाज अहमद ने अच्छी बॉलिंग भी करी, नाउ ही इज बैटिंग एज वेल। वैसे मैं लास्ट बॉल पे ना पुल भी कर सकता था, बट आई वॉज लाइक कि चलो नहीं करते, सही बॉल पे करेंगे। और ये भी सही बॉल थी नहीं, मेरे को लगा थोड़ी मतलब लेग स्टंप आई है तो शायद 6 चला जाए। देखा कितना बढ़िया 6 किया, देखा तुमने। वी नीड 65 इन 8 ओवर्स, आई गेट टू। और ये इकबाल ना शायद वही है जो शायद इमर्जिंग वाले खेल रहे ना टूर्नामेंट। वेट ऑन, बच गया ब्रो, 4 बॉलों पे सिर्फ 2 रन आए हैं। कैच इट, ओके या मिड विकेट खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट, 2 कम से कम, इट्स अ 4 शॉट या भाई। क्या बढ़िया प्लेसमेंट निकली है ना रिवर्स स्वीप की, मिडल लेग स्टंप पे बॉल आई तब भी भाई रिवर्स स्वीप निकाल लिया, कितना बढ़िया देखो। और प्लेसमेंट वाओ, शॉट एंड कैच नहीं हुई, ये कादर भाई को तो मार दिया हमने, बस अब जाएंगी ऐसे विकेट। ओके पहली बॉल पे एज, विल वी गेट द 4, यस। पहली बॉल पे भी वैसे विकेट बनती थी लेकिन बच गया बस। इस बॉल पे कुछ नहीं बनता था भाई, लो फुल टॉस डालोगे तो 6 तो मारेगा ना, 5 52 होती 5 की, बहुत बढ़िया इनिंग्स, कैप्टन स्नोक बॉल बोल सकते हैं। शर इकबाल आते हुए, ओ टाइमिंग हो नहीं पाई वैसे, 29 पे 33 तो अब भी चाहिए। कैच इट एंड एज लगाए साथ में, इट्स अ 4, वी आर ऑलमोस्ट एट रन अ बॉल एंड वाओ, हमें 4 और ऐसे चाहिए और हम मैच जीतेंगे फिर फुल ऑन। बहुत बढ़िया शॉट विराट कोहली वाला, हारिस रॉफ को याद आ रहा होगा, बट हारिस रॉफ यहाँ पे खेल नहीं रहा है। शाबाज इज नियरिंग हिज 50 नाउ, और क्या बढ़िया पुल कर रहा है ब्रो, 50 फॉर श्योर। चौका बच गया लेकिन तब भी 50 गया क्योंकि दो दो भाग ही लेगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम हिम, देखो अब तो जीत ही गए। और मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच पता कौन है, शाबाज, क्योंकि बॉलिंग इतनी बढ़िया करी और उसके बाद बैटिंग एकदम फैफ से नेक टू नेक हो गया। ये सिर्फ 7 रन चाहिए जीतने के लिए भाई, यप और 3 रन चाहिए अब जीतने के लिए।
अब आउट होने का क्या मतलब है, चलो कोई नहीं जाओ, एक रन चाहिए, ये लेते सिंगल आराम से और जीत जाते हैं भाई। मैन ऑफ द मैच इज हर्षल पटेल, शाबाश को नहीं दिया, अच्छा उसने एक ही विकेट ली थी तभी, ओके गॉट इट, मैं समझ गया क्यों नहीं दिया। तो वो स्पिनर वाली विकेट को देख ली है ना, यहाँ पे देख लेना ठीक है, आ जाएगी, और मेरे को डीएम करके बता देना कैसे मैच देखने हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।